जय हिंद किसान मित्रों। दोस्तों आज हम वीडियो में बताने वाले हैं आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 2000 की किस्तें आती है साथियों, उसका नेक्स्ट किस्त जो 16वां किस्त होगा वो किस डेट में जारी हो रहा है साथियों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 28 फरवरी 2024 के ये 16वां किस्त आपका रिलीज किया जा रहा है साथियों। तो आप अपना स्टेटस खुद से चेक कर लेंगे कि आपका कहीं पे कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है आपका ब्लॉक से या स्टेट लेवल से या किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका हम आपको लाइव इस वीडियो में चेक करके साथियों स्टेटस चेक करके आपको बताने वाले हैं कि आपका कोई डिफॉल्ट तो नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन में, ताकि आपका पेमेंट गेटवे आने में कोई इशू ना हो साथियों। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही आपको आप लाइव भी आपको दिखाने वाले साथियों आप किस प्रकार से आप सर्च करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं मित्रों। इसके लिए पहले आपको मोबाइल ओपन करना है साथियों, और मोबाइल ओपन करने के बाद आप किसी भी ब्राउजर में जाएंगे, हम आपका क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करके दिखाने वाले साथियों। यहाँ पे आप सर्च करेंगे पीएम किसान स्टेटस, फर्स्ट मेन्यू कुछ इस प्रकार से आपको खुलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है फर्स्ट मेन्यू पे जहाँ पे आपका पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस लिखा होगा साथियों। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से पॉपअप दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आधार नंबर का ऑप्शन देगा साथियों। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आधार और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका दोनों से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे आधार नंबर पर के सिलेक्ट करते हैं, हम अपना आधार नंबर को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं साथियों। हम अपना आधार नंबर टाइप कर लेते हैं जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, वो आधार नंबर को सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इधर, यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा होगा सामने में, कैप्चा को आप यहाँ पे एंट्री करेंगे जो कैप्चा आपको सामने दिया हुआ है। सिम कैप्चा को एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट डाटा का साथियों, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जिसने गेट डाटा पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गेट डाटा पे हमने क्लिक किया तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको ओटीपी जाएगा साथियों। जिसी मोबाइल से मेरा नंबर रजिस्टर्ड है देख पा रहे हो यहाँ पे ओटीपी आ चुका है हमारा आधार कार्ड का। तो सिंपली आधार कार्ड का यहाँ पे हम आपको जो ओटीपी 6 डिजिट का आता है आधार कार्ड का वहाँ पे आप यहाँ एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे गेट डेटा पे आपको क्लिक कर देना सिंपली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों हमारा जो रजिस्टर्ड नंबर था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जेएच करके, जिसे आप झारखंड से तो झारखंड का ये डेटा आ गया। आप अदर स्टेट से है तो आपका स्टेट का अदर 4 डिजिट करेगा साथियों। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा, यहाँ पे सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। फिर बैंक जाने के बाद साथियों आप फिर उसी मेन्यू पे आएंगे, फिर यहाँ पे स्टेटस पे जाएंगे, जो आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे सिंपली आप पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सेम यहाँ पे कैप्चा जो दिया हुआ कैप्चा को यहाँ पे एंट्री करेंगे, और यहाँ पे गेट डिटेल गेट ओटीपी आप पे आपको क्लिक करना है मित्रों। जैसे हम गेट ओटीपी क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड होगा उस पर आपका ओटीपी जाएगा साथियों 4 डिजिट का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओटीपी हमारा आ चुका है। यहाँ पे सिंपली ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, जो हमारा ओटीपी आया है 4 डिजिट का यहाँ पे आप दर्ज कर लेंगे। इसके बाद गेट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे साथियों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका सारा डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाता है साथियों। जो भी आपका डिटेल रहता है, जैसे बैंक का डिटेल रहता है, आपका रसीद का जो डिटेल रहता है साथियों, यहाँ पे सारा खुलकर आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं FTO जिसका कंप्लीट है उसका निश्चित है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी हो जाएगा साथियों। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका FTO नो जनरेटेड रहता है, लैंड शेडिंग में नो रहता है साथियों, या यहाँ पे आपको आधार में भी नो शेडिंग रहता है, या आपका स्टॉपेड बा डिस्ट्रिक्ट या स्टॉपेड बा स्टेट लिखा हुआ रहता है साथियों, तो आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे नहीं आता है साथियों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा 10 इंस्टॉलमेंट आ गया है, तो हमारा 11वां इंस्टॉलमेंट आएगा, जबकि आपका गवर्नमेंट काउंटिंग के अनुसार ये 16वां किस्त जारी होगा साथियों। तो बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम इस प्रकार से यहाँ से हो तो आप डायरेक्ट ब्लॉक जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से सारा अप्रूवल करवा सकते हैं साथियों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा सारा चीज यहाँ पे कंप्लीट है, तो हमारा पेमेंट गेटवे 16वां किस्त जारी होकर के आ जाएगा साथियों, जो कि आपका 28 फरवरी 2024 को यहाँ पेमेंट हमारा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा साथियों। बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपना नजदीकी ब्लॉक में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन को अपना ना कंप्लीट करवा सकते हैं साथियों। तो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।